छत पे खेती हैप्पी खेती। ये हम है, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। हाय ऑल, क्राइसैंथेमम के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस है मेरे चैनल पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर का उनका ब्लूम्स, इस ईयर कैसे मदर प्लांट की केयर करनी है, कैसे उनकी कटिंग्स को प्रिपेयर करना है, फर्स्ट पॉटिंग करनी है, वहाँ तक का मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था। आज हम लोग क्राइसैंथेमम की फर्स्ट पिंचिंग करेंगे, कैसे करना है आप देखिए। ये वाला जो प्लांट है, ये एक्चुअली थोड़ा लंबा इसकी ब्रांच जाती है, तो मैं ये वाला नहीं दिखाती आपको, एक दूसरी वैरायटी का दिखाती हूँ। एक्चुअली ये वाली जो वैरायटी है, ये थोड़े से लंबे होते हैं, तो ये शायद आपके पास ना हो, बट आप इसमें देखिए। जब इस तरह से क्राइसैंथेमम में 3 सेट ऑफ लीव आ जाए, मतलब 6 समझ लीजिए, और ऊपर थोड़ी सी नई ग्रोथ आपको दिखने लग जाए, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि इसका जो टिप होता है, टिप में देखिएगा वाइट कलर का बिल्कुल छोटा सा न्यू ग्रोथ सा दिखता है, तो आपको इस तरह से बस अपने ये फिंगर से ही इस तरह से बस इस वाइट वाले को हल्का सा पिंच करके निकालना है। ये एक्चुअली न्यू ग्रोथ का पॉइंट होता है। तो इसको पिंच करने से क्या होता है कि नीचे से जो है लीफ के कॉर्नर से बहुत सारे नए ग्रोथ स्टार्ट होते हैं, और प्लांट स्टार्टिंग से ही बुशी बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ मेरे कटिंग्स जब मैंने लगाया था, तब 4 इंचेस के पॉट खाली नहीं थे, तब मैंने दिखाया था कि मैंने 2 इंचेस में लगाया है एक बार के लिए, तो अब मेरे पॉट्स खाली हो गए हैं, तो फिर मैंने उनको 4 इंचेस में शिफ्ट किया है, क्योंकि अब रूट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनको स्पेस चाहिएगा ग्रो होने के लिए, और हमने फर्स्ट पिंचिंग की है, तो पिंचिंग के बाद तो वैसे भी प्लांट बहुत ग्रोथ लेता है। अभी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉटिंग मिक्स के टाइम पे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र हमने दिया था, और प्लांट अभी बहुत छोटा है, तो उतना ज़्यादा फूड ये लेता नहीं है, जितना है वो काफ़ी है। जब हम सेकेंड पिंचिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको फर्टिलाइज़र देना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में कोई भी फर्टिलाइज़र इतने छोटे छोटे कटिंग्स को देना सही नहीं रहता, तो इसीलिए हम जब सेकेंड पिंचिंग करेंगे, उसके बाद हम कोई हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इनको डालेंगे। अब जो मेजर प्रॉब्लम आएगी क्राइसैंथेमम में, वो रहेगी इसको बारिश से प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि कटिंग्स में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है बहुत जल्दी बारिश का पानी लगकर। 1-2 बार बारिश का पानी लगा तो कोई ख़ास बात नहीं है, बट अब बारिश का मौसम आने वाला है, रेगुलर अगर वाटरिंग आपके प्लांट्स को मिलेगी तो वो ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो आपको उनको अच्छे से सेफ प्लेस देना है, जहाँ कि उनको बारिश का पानी ना लगे, और अगर हल्का फुल्का बारिश का पानी लग रहा है तो आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 4 दिन में आप कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। मेरे प्लांट्स में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फंगल प्रॉब्लम हुई तो मैं शायद सोचूंगी फंगीसाइड का स्प्रे करने के बारे में, लेकिन अभी मैंने इनको, क्योंकि मेरे पास कोई पॉली हाउस या ग्रीन नेट नहीं है व्यवस्था, तो मैंने इनको अभी नेचुरल जो मेरी टंकी का जो शेड है उसी के नीचे एक बार मैंने उनको जगह दी है, और अलग से मैंने इनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं करी है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और ग्रीन नेट वगैरह अभी इंस्टॉल करवाना पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन इस तरह से भी बारिश का पानी काफ़ी अंदर जा रहा है, तो देखती हूँ या तो मैं सामने से कोई इसमें पॉलीथीन से इसको कवर कर दूँगी, बट अभी फिर भी ये कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे। कुछ कटिंग्स मैंने बहुत देरी से ट्रांसप्लांट किए थे, तो वो अभी फर्स्ट पिंचिंग के लायक नहीं हुए हैं, तो मैं और 1 हफ्ते वेट करूँगी और उसके बाद उसकी पिंचिंग करूँगी। मैंने अभी तक आपके साथ हर वीडियो डिटेल में शेयर किया है, अगर आपने कटिंग्स नहीं करे हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं, और 500 से भी ज़्यादा ब्लूम्स आप ले सकते हैं। पूरा वीडियो आगे तक देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हैप्पी खेती, बाय।